वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो चार्ट्स बनते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है, क्या उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस आता है? सर, बनावट में अंतर है, क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम चौकोर चार्ट बना लेते हैं और उसमें लाइनें खींचते हैं, आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वो दूसरे तरह के चौकोर। हमारे यहाँ राशियाँ फिक्स नहीं हैं, हाउसेस फिक्स हैं। साउथ इंडिया की चार्ट की बनावट भी दूसरी है, उनके यहाँ राशियाँ फिक्स हैं लेकिन हाउसेस मूव कर रहे हैं। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बंगालीज का भी अपना अलग बनावट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चौकोर चार्ट, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी व्हील बनाती है। वो मानते हैं कि अस्तित्व तो बिल्कुल गोल है, हम होराइजन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें पूरा गोला नजर आता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, तो व्हील शेप में वो बनाते हैं। रही इंटरप्रिटेशन की बात, तो इंटरप्रिटेशन उनका आधुनिक है, आज की भाषा में है, मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने की सामर्थ्य है। आपको दो तीन चीज़ें और बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा भट्ट साहब, कि एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, उनके यहाँ उस पर रिसर्च चल रही है, एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी मतलब क्रिमिनल्स पे, और पश्चिमी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी पे, इन पे ये गहन, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, ये लोग उस तरह से काम कर रहे हैं जूझ करके, जैसे सर आज आपका एलोपैथिक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वो आपके घुटनों का टेस्ट करता है, वो कहता है वाह अरे ये तो साइनोवियल फ्लूड इवापोरेटेड, ये साइनोवियल फ्लूड की कमी हो रही है जिस कारण से हड्डियों में घर्षण हो रहा है और इसकी वजह से आपको ये परेशानी है, आर्थराइटिस डेवलप हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बोन्स में प्रॉब्लम है, ये इस लेवल का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जन्म पत्री देख के बता देते हैं गोड़े में दर्द हुई, अब गोड़े में दर्द को तो कोई डॉक्टर, आज आधुनिक विज्ञान, डॉक्टर यहाँ का मेडिकल साइंस कैसे भरोसा करे एस्ट्रोलॉजी पे, उनकी लैंग्वेज अलग है, डॉक्टर की लैंग्वेज अलग है। आप कह रहे हो कि इनके गोड़े में दर्द हुई, वो कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कि इनका साइनोवियल फ्लूड कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर क्या करते हैं वो नेचुरोपैथी को भी, दुनिया के योग को भी, योग भी यहाँ का शामिल किया, नेचुरोपैथी भी, आयुर्वेद भी, अपनी बनाई हुई होम्योपैथी भी, यहाँ तक संगीत पे भी, कि म्यूजिक क्या मदद कर सकती है, क्या एरोमाथेरेपी मदद कर सकती है, इन सब को वो मिक्स करके ज्ञान बढ़ाने की, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी आज की आधुनिक भाषा में पढ़ाया जाए, विश्वविद्यालयों के लेवल पर हम भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करें, कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करे, कोई क्रिमिनल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करे, कोई सिर्फ प्रोफेशन में। सर एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, इट इज सुपर साइंस। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपके स्वास्थ्य पे ही काम करती है। सर एस्ट्रोलॉजी को अगर आप शरीर पे लगा दीजिए तो आदमी बीमार कब पड़ेगा, इसकी भी ग्लिम्सेस आपको मिल जाएंगी। उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से डेवलप करके वो एस्पेक्ट क्लियर किए कि ये इन एस्पेक्ट पर देखिए अब ये बीमार होने वाले हैं आप, और इसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा रोल होगा, यानी साइकिक लेवल पर कहाँ आप अपसेट होंगे, फिर धीरे धीरे मन आपका खराब रहने लगेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट करेगा, उस एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंस होना शुरू होगा, जिसके इफेक्ट धीरे धीरे आपको फिजिकल बॉडी पे दिखेंगे, तो इन कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बीमारी कब पैदा होगी, ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, कौन सी चिकित्सा पद्धति आपको मदद करेगी।